हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है डूम सेंटर सीजन 2 का एपिसोड 22। ना लेट्स बिगिन। एपिसोड की शूटिंग में हम ओटलंका एम्पायर के मेन मेंशन का सीन देखते हैं, जहां पर ओटलंका एम्पायर का राजा, जिसकी बॉडी के अंदर एक डीमन चाइल्ड है, वो अपनी मॉम से कहने लगता है, मुझे एमा चाहिए, कुछ भी करो लेकिन मुझे एमा ला के दो। डीमन की मॉम डीमन के ऊपर बुद्ध गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है, एमा यहाँ पर नहीं आ रही, ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से एम्पायर के दो टुकड़े हो गए। सभी लोगों को पता चल गया कि एम्परर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब यहाँ पर रहने वाले आम लोगों तक को पता चल गया तो वो तो एमा है, एम्परर की बेटी है, उसे तो सब कुछ पता चल ही चुका होगा। यही कारण है कि एमा यहाँ पर नहीं आ रही है। डीमन चाइल्ड बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन कुछ भी करो, मुझे एमा चाहिए। ये सुनकर उस डीमन की मॉम को वो ज्यादा गुस्सा होता है। वो जल्दी से चिल्लाकर उससे कहने लगती है, अब तुम कुछ ज्यादा बोलने लगे हो, तुम्हें वापस से वहां भेजना पड़ेगा जहां से तुम आए थे। ये कहते हुए उस डीमन की मॉम उस डीमन के ऊपर एक क्यूब फेंक देती है। उस क्यूब को देखकर वो डीमन चाइल्ड फिर से रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन मुझे वापस से इसके अंदर मत डालो। उस डीमन चाइल्ड की मॉम बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो उससे कहती है, अब कहने का कोई फायदा नहीं है, तुम अपनी सीमा को पार कर चुके हो, तुम्हें रिप्लेस करने का टाइम हो चुका है, अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। उस डीमन की मॉम के इतना कहने के साथ ही एम्परर की बॉडी के अंदर से डीमन चाइल्ड बाहर निकल जाता है और सीधे उस बॉक्स के अंदर आ जाता है। बॉक्स धीरे धीरे छोटा हो जाता है और उड़ते हुए वापस से उस डीमन चाइल्ड की मॉम के हाथ में आ जाता है। इसके बाद में हमें पता चलता है, ये डीमन चाइल्ड इस औरत का बेटा नहीं था बल्कि वो केवल इसका एक पपेट था। इस औरत के पास में ऐसे बहुत सारे पपेट्स हैं जिनका वो अपने मन मुताबिक यूज कर सकती है। इनमें से किसी के साथ भी इसका कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। जैसे ही क्यूब इस औरत के हाथ के अंदर आता है, ये कार्ड के अंदर बदल जाता है जिसके ऊपर उस डीमन चाइल्ड की फोटो बनी हुई होती है। इस कार्ड को ये औरत एक बॉक्स के अंदर रख देती है और उस बॉक्स के अंदर से एक दूसरा कार्ड निकालती है जिसके ऊपर एक स्पाइडर बनी हुई है। इसके बाद में वो औरत उस कार्ड को एम्परर की बॉडी के अंदर फेंक देती है। कार्ड के अंदर से स्पाइडर बाहर निकलती है और स्पाइडर सीधे जाकर एम्परर की बॉडी के अंदर घुस जाता है और वापस से उस एम्परर के अंदर जाना जाती है। एम्परर उठ जाता है। वो औरत एम्परर को देख कहने लगती है, मेरी स्पाइडर अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे निराश मत करना। इसी टाइम पर दो नौकर उस जगह पर आते हैं और उस औरत से कहने लगते हैं, योर हाइनेस आपके लिए इनविटेशन आया है, एम्परर की गर्लफ्रेंड मैडम पोंडरू ने आप सभी को डिनर बुलाया है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगी। लेडी कहती है, नहीं मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मेरे पास में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जिनको करना ज़्यादा जरूरी है और इस तरह के किसी भी इवेंट में जाने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और खासकर उन लोगों के इवेंट में जाने में जिनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, जो कि हमसे अलग हो चुके हैं। ये कहने के बाद में ये लेडी सोचने लगती है, इस तरह के किसी भी इवेंट में जाने से अच्छा होगा मैं इस तरह के और भी बहुत सारे कार्ड बनाऊं जिनका मैं सही टाइम पे यूज कर सकती हूँ। इन कार्ड्स के अंदर बहुत सारी पावर्स होती है जिनकी मदद से कई सारे स्किल्स को यूज किया जा सकता है। नॉर्मल तरीके से स्किल्स यूज करने पर स्पिरिचुअल पावर यूज करनी पड़ती है, लेकिन पहले से कार्ड्स बनाने पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, इंस्टेंटली कोई भी स्किल यूज की जा सकती है और साथ में मैं अपने बहुत सारे गुलाम्स को कुछ ही सेकंड्स में समन कर सकती हूँ जो कि मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद में ये लेडी एक आदमी को उस जगह बुलाती है और उसे कहने लगती है, तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा वफादार हो और बहुत ज्यादा ताकतवर भी, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हें उस जगह पर जाना होगा और वहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा तुम्हें वहाँ पर और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करने हैं जिनके बारे में तुम पहले से जानते हो, अगर तुम्हें उस जगह पर कुछ भी अलग से चीज़ दिखाई दे तो या तो उसे नष्ट कर देना या फिर उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करना। इसके बाद में हमें इस आदमी की शक्ल दिखाई जाती है। इस आदमी का नाम ह्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसकी पावर इवान से भी काफ़ी ज़्यादा है, ये सेवन सेंट्स का लीडर है। ह्यूट हंसते हुए इस लीडर से कहने लगता है, ठीक है काम हो जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मैडम पेंडेरू के मेंशन का सीन देखते हैं। शेन को अभी तक यहाँ से उस ड्रग को चुराने का बिल्कुल मौका नहीं मिला है। शेन एक शांत जगह पर आता है और फिर अपने पास से उस ड्रग को बाहर निकालता है जिसकी मदद से वो तीन बार इधर से उधर टेलीपोर्ट हो सकता है। शेन उस स्टिक को निकाले कहता है, अब पहली बार इस स्टिक को यूज करने का टाइम हो चुका है। इसी के साथ शेन उस स्टिक को यूज करता है और फिर उस जगह पहुंचता है जिसके बारे में एमा ने बताया था, जहां पर वो सीक्रेट तिजोरी है। वहां पहुंचने के बाद में शेन को एक दीवार के ऊपर एक फोटो फ्रेम दिखाई देता है जिसके ऊपर एमा के फादर और एमा की एक फोटो बनी हुई है। शेन जल्दी से उस फोटो को साइड में रखता है। शेन को सच में उस फोटो के पीछे एक तिजोरी से कुछ दिखाई देती है। वहां पर एक स्पेस है जिसके अंदर दो चीजें रखी हुई है, एक तो वह ड्रग है जिसके लिए शेन यहाँ पर आया था और दूसरा एक चमकता हुआ गोला है। शेन जल्दी से पहले उस ड्रग को उठा लेता है
और फिर कहने लगता है, चलो मेरा काम तो हो गया, ड्रग तो मिल चुकी है। इस टाइम पर शेन को पता ही नहीं है शेन को क्या मिल गया है। शेन की नज़र दूसरी वाली चीज़ें पड़ती है। शेन उसे देखकर सोचता है ये क्या है। तभी वो लाइट गोला एकदम से बड़ा होने लगता है। बड़ा होते होते वो एक सोल का रूप ले लेता है। शेन उसे देखते पहचान जाता है और कहने लगता है, ये तो ओटलंका एम्पायर का राजा है, इमा का डैड। वो किंग शेन से पूछने लगता है, तुम कौन हो। शेन इस बात का कुछ भी जवाब नहीं देता। शेन अभी भी बहुत चौंका हुआ होता है। शेन सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो किंग की सोल है। फिर शेन किंग से कहता है, आप यहाँ पर कैसे, और क्या आप यहाँ पर छुप रहे हैं। किंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ पर इमा के आने का इंतजार कर रहा हूँ। इस जगह के बारे में केवल इमा ही जानती है। इमा को बताए, यहाँ पर मैंने स्पेशल ड्रग रखी है और यहाँ पर और भी हम काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें रखते हैं। मुझे उम्मीद थी कभी ना कभी इमा यहाँ पर आएगी, इसी वजह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर शेन सोचने लगता है, मैं इससे पूछ भी क्यों रहा हूँ, मेरे को तो पहले ही सब कुछ सच पता है। मेरी पिछली लाइफ के अंदर इमा कभी भी इस किंग से मिल नहीं पाई थी। वैसे मुझे पता भी नहीं था कि किंग यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। पिछली लाइफ के अंदर मैंने इमा को अपने एम्पायर के अंदर जाने से नहीं रोका था, इसलिए इमा ओटलंका एम्पायर चली गई थी और वहाँ पर जाकर बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। उस जगह पर उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। और अब जब मुझे पता है कि किंग की सोल इमा का यहाँ पर इंतजार कर रही थी, इस सब से देखा जाए तो टॉर्चर और भी ज़्यादा था। और वो टॉर्चर न केवल इमा के लिए था बल्कि किंग के लिए भी था। किंग जो यहाँ पर अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, वो मेरी पिछली लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए केवल इंतजार ही करता रह गया। ना तो इमा कभी भी आखिरी बार अपने पिता से मिल पाई और ना ही इस राजा का इंतजार कभी भी खत्म हुआ। ये सब कुछ पूरे एनालाइज करने के बाद में शेन डिसाइड करता है वो प्लान के अंदर पूरी तरह से चेंज करेगा। शेन वापस से अपने टेलीपोर्टेशन स्टिक उठा लेता है और फिर कहता है, मेरे को अब यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को इमा को ही यहाँ पर बुलाना होगा। फिर शेन गॉडेस ऑफ जस्टिस से कहता है, गॉडेस ऑफ जस्टिस प्लान के अंदर चेंज हुआ है, इमा को जल्दी से यहाँ भेजिए। लैंग स्यू शेन की इस बात का जवाब देता है। वो शेन से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस स्टिक को केवल तुम 3 बार यूज कर सकते हो, अभी इस स्टिक की कैपेबिलिटीज को इतनी अच्छी तरह से बढ़ाया नहीं गया है। यानी कि इसका मतलब अगर तुमने इमा को वहाँ पर बुला लिया तो तुम दोनों में से केवल एक ही होगा जो कि उस मेंशन में से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि तुम पहले ही इसे एक बार यूज कर सकते हो। एक बार इमा को बुलाने में खर्च जाएगा और एक बार तुम दोनों में से किसी एक के वहां से निकलने में। शेर कहता है, अभी इस सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, तुम बस जल्दी से इमा को यहाँ पे भेज दो, यहाँ का काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है। शेन के इसी तरह जिद करने पर लैंग्स्यू मान जाता है और शेन से 30 सेकंड का टाइम मांगता है। इसके बाद में शेन और उस किंग के बीच में थोड़ी बातें शुरू हो जाती है। शेन किंग से कहने लगता है, आप अभी तक यहाँ पर कैसे हैं, आपकी तो डेथ हो चुकी है, इसके बावजूद भी आपकी सोल अभी भी अर्थ पे क्यों है। किंग कहता है, क्योंकि मेरे पास में कब से स्पेशल पावर्स है, मैं अपनी पावर्स को यूज कर रहा हूँ अपनी सोल को यहाँ पर रोक के रखने के लिए। शेन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अपनी सोल को यहाँ पर रोक के रखने के लिए कब से पावर लगती है, आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। किंग कहता है, मैं इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूँ, अपनी सोल को जबरदस्ती यहाँ पर रोक के रखने की वजह से अगले 10 मिनट के बाद में मेरी सोल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, यानी कि मेरा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जिसमें शेन कहता है, क्या आप पागल हो गए हैं, अगर आपकी सोल रहेगी तब दोबारा से रीइनकार्नेट हो सकते हैं, आपको दोबारा जन्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी सोल नष्ट हो गई तो कुछ भी नहीं हो सकता। शायद आप समझ नहीं रहे हैं आपने क्या किया है, आपको पता है आपकी सोल के साथ में आप कितना कुछ कर सकते थे, आपने ये सब क्यों किया, आपने जबरदस्ती अपनी सोल को यहाँ पर क्यों रोक के रखा। किंग कहता है, इसका जवाब साफ है, मैं आखिरी बार इमा से मिलना चाहता था, मुझे याद है जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो वो मुझसे गुस्सा होकर एम्पायर को छोड़कर चली गई थी, मैं भी उसे थोड़ा सा गुस्सा था लेकिन फिर भी मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, मेरी डेथ हो गई, मैं बस अपनी इसी गलती को सुधारना चाहता हूँ, एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ। उस किंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।